नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। नवादा दलित बस्ती अग्निकांड में नंदू पासवान, जमुना चौहान और आशीष यादव समेत 28 आरोपी पर FIR दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया है कि हमलावर हथियार और पेट्रोल लेकर आए थे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और अपराधियों ने कई राउंड की फायरिंग भी की। घटना में 35 लोगों का घर, सामान, सब कुछ जल गया। मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। गोली छोड़ दिया, गोली छोड़ के आग लगा दिया। अपने दूध बुए बच्चे के साथ चले हुए घर के बाहर बैठी ये है कारी देवी। 2 दिन बाद बेटे का छठियार था। कर्ज लेकर धूमधाम से बच्चे का छठियार करना चाहती थी, लेकिन दबंगों की तरफ से लगाई गई आग में सब कुछ स्वाहा हो गया। तस्वीरें नवादा के कृष्णानगर दलित बस्ती की हैं। बुधवार की शाम दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरी बस्ती में आग लगा दी। देखते ही देखते सामान समेत 35 घर खाक में बदल गए। बच गए तुकारी देवी जैसे परेशान लोग। नहीं भागेंगे, सरकार मर तो मर जाएंगे, मगर भागे नहीं जमीन से, नहीं भागेंगे। जान तो जाना चल जाओ, मगर जमीन से भागेंगे नहीं। अब पूरी कहानी समझ लीजिए। बुधवार की रात जमीन पर कब्जे के लिए नंदू पासवान और उसके साथ आए करीब 60 से 70 की संख्या में लोग महादलित बस्ती पहुंच गए। दबंगों ने इस दलित बस्ती पर हमला किया, गांव में आग लगा दी। देखते ही देखते हर तरफ दहशत का माहौल हो गया। घटना के तुरंत बाद सरकार और सिस्टम ने काम करना शुरू किया और मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 3 देसी कट्टा और खोखा बरामद कर लिए गए। यहां तक कि फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मौके से सबूतों को जमा किया। यहां पे देख सकते हैं कि SSL के जो वैज्ञानिक हैं, वो यहां पहुंचे हैं और अब यहां पे एग्जिट जो है उसका संकलन ये किया जा रहा है। इनके द्वारा जो एग्जिट है उसे यहां से संग्रहित की जा रही है और फिर इसकी जो जाँच है वो लैब में की जाएगी। नवादा की घटना को लेकर CM नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। राज्य के बड़े अधिकारियों को हालात पर निगरानी का निर्देश दिया और साफ कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भी इसी बात को दोहराया। वहाँ ADG लॉ एंड ऑर्डर जा चुके हैं, कार्रवाई तुरंत शीघ्र की जाएगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो दबंग लोग हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नवादा की घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। जमकर सियासत हो रही है, लेकिन फिलहाल आप पूरी घटना को जान लीजिए। कृष्णानगर में 2015 से सरकारी जमीन पर झोपड़ी नुमा घर बनाकर 60 परिवार रह रहे हैं। जमीन को लेकर नंदू पासवान से विवाद चल रहा था। मुंशी कोर्ट नवादा में यह मामला फिलहाल लंबित है। 18 सितंबर की शाम जमीन पर कब्जे की नियत से नंदू पासवान के साथ हथियारों से लैस 60 से 70 की संख्या में लोग पहुंचे, गोलियां चलाएं, जिससे बस्ती में भगदड़ मच गई। गांव के लोग जान बचाकर भागने लगे तो दबंगों ने पेट्रोल छिड़क कर पूरी बस्ती में आग लगा दी और घरों में तोड़फोड़ की। न्यूज 18 के लिए नवादा से अमित कुमार और अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नवादा में दलित बस्ती में हुई आगजनी के बाद CM नीतीश कुमार के निर्देश पर ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह नवादा पहुंचे हैं। उनके साथ मगध रेंज के IG छत्रनील सिंह और कमिश्नर प्रेम सिंह मीणा भी मौजूद थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद ADG प्रभावित गांव कृष्णानगर भी पहुंचे। उन्होंने दबंगों की ओर से जलाए गए हर घर का जायजा लिया और साथ ही पीड़ितों से भी मुलाकात की। कमिश्नर ने कहा कि जमीन को लेकर विवाद हुआ था, अब तक की कार्रवाई में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो भी दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि प्रभावितों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। प्रथम दृष्टया यही समझ आ रहा है उसमें जी। और बाकी पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें जी। 15 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और जो भी आपदा प्रबंधन और अन्य प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जानी है। उन लोगों ने भी कहा कि प्रशासन करा रहा है, उनके रहने खाने और बाकी चीज़ों की जो व्यवस्था है वो टाइमली हो रही है। उसमें उसको इंश्योर करेंगे। DM और लोकल प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि सभी सुविधाएं जो भी सरकार के नियमानुसार हैं उसको त्वरित गति से सभी पीड़ितों को उपलब्ध कराएं।
नवादा की दलित बस्ती में दबंगों के आग लगाने के बाद से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इस घटना को लेकर यादव समाज के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया है और इसके बाद बिहार में सियासी बहस तेज हो गई है। लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एकाध दुगो दुसार जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। नवादा के दलित बस्ती में लगी आग ने बिहार की सियासत को भी आग की तरह ही लाल कर दिया है। माहौल तब ज्यादा गर्मा गया जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूरी घटना के पीछे विपक्ष और यादव जाति के लोगों को जिम्मेदार बताया। पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। मांझी के बयान पर आरजेडी के नेताओं ने पलटवार किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि मांझी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव ने कहा कि मांझी को तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, वो बस किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उनको तथ्यों से लेना देना नहीं। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने जीतन राम मांझी की तरह खुलकर किसी जाति या किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा बिहार में जातियों को लड़ाने का खेल नहीं चलेगा। सामाजिक उन्माद पैदा कर करके समाज को लड़ाने का यह खेल अब बिहार में नहीं होगा और यह खेल खेलने और खिलाने वाले अब दोनों पर कार्रवाई होगी और उसकी जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। सवाल है कि क्या 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के नवादा में हुई दलित बस्ती कांड के पीछे कोई जातीय साजिश है? न्यूज 18 के लिए नवादा से अमित कुमार और अनिल विशाल के साथ, पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी पर एनआईए की छापेमारी, जब्त रुपए की गिनती का काम बंद हो गया है, 1 करोड़ से अधिक कैश बताया जा रहा है। मनोरमा देवी के घर के बाहर हलचल काफी तेज हो गई है। नक्सली कनेक्शन को लेकर एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। एनआईए कर रही है मनोरमा देवी से पूछताछ। न्यूज 18 संवाददाता एलन लिली अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एलन लिली, क्या कुछ ताजा अपडेट है, पूछताछ की बात कही जा रही है? ये निश्चित तौर पर अभी भी पूछताछ चल रही है और सुबह से लेकर शाम हो गई, लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी एनआईए की टीम जो है वो आवास में है और अभी भी लगातार जो है वो मनोरमा देवी से पूछताछ कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी तक जो है लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का जो नगद है वो वहाँ पर जब्त किया गया है और नोटों की गिनती जो है अभी बंद हो गया है और जो नोटों की गिनती की जो मशीन है उसे बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अब जो है हलचल तेज हो गई है, आवास के बाहर जो काफी संख्या में भीड़ भी लगी हुई है। मनोरमा देवी को चाहने वाले जो जानने वाले हैं उनके भी समर्थक भी काफी भीड़ यहाँ लगी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब हलचल तेज हो गई है और कभी भी एनआईए की टीम जो है वो बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं पाई है कि अभी तक कितने कैश की बरामदगी हुई है, लेकिन कैश की बरामदगी हुई है लेकिन अभी तक सरकार जो पुष्टि हो जाएगी वो अभी पुष्टि नहीं हो रही है। जी एलन लिली, क्या कुछ और पता चल पाया? नक्सली कनेक्शन की बात भी कही जा रही है कि नक्सलियों से भी कनेक्शन था, उसको लेकर कोई अपडेट अब तक? जी की नक्सली संगठन तो था, पिछले बार थे जो बिंदी यादव थे, उनके जो पति थे स्वर्गीय बिंदी यादव, वो 2016 में काफी संख्या में उनके पास कारतूस बरामद हुआ था और उसी कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेकर के ये टीम जो है वो एनआईए टीम जो यहाँ पहुंची है। जी ठीक है एलन लिली, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, सोनार पट्टी में मंदिर की दीवार गिर गई, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत की खबर, हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मामले की जांच
में पुलिस की टीम जुट गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। बताया जा रहा है कि मंदिर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और इस मलबे के अंदर दो बच्चे दब गए जिनकी मौत हो गई है। हादसे में तीन लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर चीख पुकार मची हुई। और अब बात करते हैं आईपीएस शिवदीप लांडे के इस्तीफे की। पूर्णिया के आईजी और बिहार के तेज तरार आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे ने आज नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारण की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन बिहार उनकी कर्मभूमि है, वो बिहार में ही रहेंगे। शिवदीप लांडे के इस्तीफे से पुलिस समेत उनके समर्थकों में हलचल मच गई। इस्तीफा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी आ रही है कि उन्होंने डीजीपी को मेल भेजकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसी 6 सितंबर को शिवदीप लांडे ने पूर्णिया आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अपने व्यक्तिगत कारणों के वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। वजह क्या रही सर? सर क्या वजह रही, आखिर क्यों इस्तीफा दिया अचानक आपने? मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों के वजह से मोबाइल पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। तो देखिए, पहले काम्या मिश्रा और अब शिवदीप लांडे। बिहार में अधिकारियों की ओर से भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र देने की घटना लगातार सामने आ रही है। पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस खबर से पूर्णिया से लेकर पटना पुलिस मुख्यालय तक अफरा तफरी मच गई। हालांकि शिवदीप पांडे ने अपने इस्तीफे की वजह निजी बताया है और शिवदीप लांडे के इस्तीफे के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में हलचल काफी तेज हो गई है। इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुपर कॉप आईजी शिवदीप लांडे ने 18 सालों तक पुलिस में योगदान देने के बाद आज अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल शिवदीप लांडे पूर्णिया रेंज के आईजी के पद पर तैनात हैं और कुछ ही दिनों पहले उनका तबादला तिरहुत रेंज से जो पूर्णिया रेंज है वहाँ किया गया था। हालांकि इस्तीफे का कारण उन्होंने नहीं बताया है, बस इस बात की उन्होंने जानकारी दी है कि 18 सालों तक सेवा करने के बाद आज वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दी है उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवदीप लांडे हो सकता है आने वाले दिनों में राजनीति में शामिल हों, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि हकीकत क्या है ये किसी को पता नहीं है। शिवदीप लांडे ने अपने सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा जरूर की है कि आने वाले दिनों में वे बिहार में ही रहेंगे और बिहार ही उनकी कर्मभूमि रहेगी और इस कर्मभूमि में वो अपना योगदान करते रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि शिवदीप लांडे आने वाले दिनों में तुरुप का पत्ता किस कदर खोलते हैं और वो क्या कुछ करने जा रहे हैं बिहार के लिए, बिहार के हित में, बिहार के लोगों के लिए। इस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करेंगे बिहार में हो रहे लगातार बारिश की। बिहार में बारिश के बाद अब सभी नदियां उफान पर पहुंच चुके हैं। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, मरीन ड्राइव पर पानी भर चुका है। मुंगेर, समस्तीपुर और खगड़िया में भी नदियों में उफान से बुरा हाल हो गया है। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर अभी लगातार हो रही बारिश की वजह से खासतौर पर राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। अब नदियों के उफान पर आने की वजह से निचले इलाकों में पानी घुस गया है, बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौजूद है पटना सिटी के कंगन घाट के नजदीक और ठीक हमारे दाहिनी ओर आप गंगा को देख सकते हैं। गंगा के जलस्तर में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि लगभग सड़क के किनारे किनारे गंगा का जलस्तर इस वक्त आपको दिख सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कंगन घाट के नजदीक गंगा के जलस्तर को देखिए और ठीक हमारे बाईं ओर आपको सड़क नजर आएगा, यानी कि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कंगन घाट के निचले के जो इलाके हैं वहां भी पानी प्रवेश कर चुका है। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा के जलस्तर और ठीक बगल में सड़क, और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कंगन घाट की तरफ जो नया अटल पथ बना है उससे जब आप नीचे उतरते हैं, नीचे जैसे ही उतरते हैं दाहिनी साइड जो बस्ती है जो कंगन घाट कहलाता है वहां भी बारिश का जो गंगा के जलस्तर है वो प्रवेश कर चुका है। इस वक्त तस्वीर देखिए कि लोग अपने घरों से सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस पूरे इलाके में खासकर कंगन घाट के जो किनारे के इलाके में वहां पे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
ठीक बगल में जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है जो अंदर की ओर जाता है कॉलोनी के अंदर, वहां पे सड़क पर पानी प्रवेश कर चुका है। तो गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से जो कंगन घाट का जो निचला इलाका है वहां पर भी पानी प्रवेश कर गया है। लोग पानी में प्रवेश करके पहुंच रहे हैं, अपने घरों से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से जो किनारे का इलाका है, खासकर कंगन घाट का इलाका, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो परेशान है और अपने घरों से सुरक्षित बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोग अपने सामानों में जो भी हो सकता है लेकर बाहर निकल रहे हैं। तो ये स्थिति है गंगा के बढ़े जलस्तर के वजह से, जो कंगन घाट का जो किनारे का इलाका है वहाँ पे पानी प्रवेश कर चुका है। अगर स्थानियों की माने तो गंगा के जलस्तर में अभी बढ़ोतरी हो ही रही है। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कंगन घाट की तस्वीर, जो पटना सिटी का इलाका है, वहाँ पे गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कंगन घाट, पटना सिटी। तो गंगा के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण गंगा तट पर बसी पटना सिटी के कंगन घाट इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर पलायन करने लगे हैं और प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। गंगा के बढ़े जलस्तर की तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और देखिए, गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से बिंद टोला पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहा है। लोग अपने परिवार और घर के जरूरी सामानों के साथ मरीन ड्राइव पर टेंट बनाकर रहने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में बिंद टोली के लोग शरणार्थी के तरह टेंट में रह रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। देखिए, जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पटना के बिंद टोली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ तकरीबन 700 से अधिक घर हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और लोगों ने अपना आसियाना इस टेंट को पटना के मरीन ड्राइव पर बना दिया है। और खास तौर पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ इस टेंट में रहने को मजबूर हैं। खाना टेंट में बनाया जा रहा है, जिनके घर थे वो घर पूरी तरीके से यहाँ पर डूब चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं पूरे परिवार के साथ, ये लोग इस मरीन ड्राइव पर अपना आसियाना बनाए हैं। कब पानी आया? पानी तो कल हुए, चार दिन से घर में रहा था, अब के आया है। सब बाल बच्चा के लेके रहे के नहीं है साधन घर में, सब तरह से पानी हो गया, बाल बच्चा डूबे से बचा है। सब सामान लेकर के यहाँ पहुँच गए? हाँ, सामान लेकर सब पहुँचा है। बाकी लोग सुरक्षित है कि कोई परेशानी भी है? ना, सब गुरा बांध धले ने, पानी ढुकले तो नैया लिए है सरकारी नाव, तब सब बांध धले है। खाना पीना सब यही हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है। देखिए, क्या मजबूरी है लोगों की, किस तरीके से लोग यहाँ इस टेंट में रहने को तैयार हैं, खाना भी बना रहे हैं, बच्चे हैं उनके लिए खाना यहाँ बनाया जा रहा है। हाँ, बच्चे लिए बनाना। तो हर साल आपके यहाँ तो पानी आ जाता है, बहुत परेशानी होती होगी आप लोगों को? हाँ, बहुत परेशानी होता है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, ट्यूब लेकर के आप अपने घर जा रहे हैं जी, कैसे सामान लेकर के आते हैं यहाँ पर? बस इसी तरह ट्यूब पे चाली रख के इसी पे सामान एक एक करके ला रहे हैं। कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे देख ही रहे हैं, पूरा यहाँ तक पानी हो गया है। लोगों की मदद भी कर रहे हैं सामान लाने में? हाँ, सबकी जिसको जैसे बुझा रहे हैं उसे रख रख के इसी पे काम चला रहे हैं, लोग ला रहे हैं ले जा रहे हैं। देखिए, लोग अपने छोटे छोटे बच्चे पूरे परिवार के साथ साथ जानवरों के साथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, चूंकि जो मवेशी हैं जो यहाँ पर नीचे रहते थे उन्हें भी बचाना है, उन्हें भी सुरक्षित रखना है। तो लिहाजा पूरा जो परिवार है, या फिर कह लें कि पूरा का पूरा जो बिंद टोली है, वो इस वक्त मरीन ड्राइव पर दिख रहा है। मरीन ड्राइव ही अब इनका नया आसियाना है, जब तक के लिए जलस्तर सामान्य नहीं होता है और बिंद टोली से जब तक पानी नहीं निकलता है तब तक के लिए ये लोग यहीं रहेंगे और इसी तरीके से टेंट में रहने की इनकी मजबूरी भी है। मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।